हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या सिखाने वाला हूँ, मैट्रिक्स की बात करेंगे। सी और सी प्लस प्लस में तो आपने देखा कि मैट्रिसेस का यूज कैसे हम कर सकते हैं। इसमें भी एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है मैट्रिसेस को प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3 लिखा है और बी इज इक्वल टू 3 है। फिर हमने वैल का यूज किया है और यहाँ पे 0 इंटू ए किया है। अब ये जीरो जो है आप इसको एज अ जीरो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करेंगे। यहाँ वैल लिखा भी है मैंने और यहाँ लूप लगाया हमने और रेंज फंक्शन का यूज किया है, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करवा दिया, वैल को ही प्रिंट करवा दिया है। तो आप देखेंगे कि मैट्रिसेस प्रिंट होकर आएंगे। तो एक बार इसको पहले सेव भी कर देते हैं, हालांकि सेव कर रखा है। तो फिर यहाँ से इसको मॉड्यूल को रन करते हैं। तो ये मॉड्यूल को रन करने पे आपने देखा कि यहाँ पर जीरो जो है, जीरो का सेट है, 3 0 का सेट है, ये 3 टाइम प्रिंट होकर आ रहा है। आई होप की बात समझ में आई होगी। इसको लेकर के और आगे वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।